अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 मैंने दिया था आप लोगों को होमवर्क के लिए। एक्सरसाइज नंबर 10 राशिद, इसमें कोई मसला किसी को हो तो डिस्कस करें, नहीं तो मैं 11 क्वेश्चन की तरफ जाऊं। काफी लेंथी क्वेश्चन है, जरा जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिएगा ताकि मैं 11 क्वेश्चन को आज मुकम्मल कर सकूं। नहीं है तो मैं शुरू करने लगा हूं। सर उसमें एक्रूड एक्सपेंस कहां से आए हुए हैं वो थोड़ा समझा दें सर। अच्छा जी मैं बता रहा हूँ, तो पिछले क्वेश्चन में राशिद वाले में ना, अक्रूड एक्सपेंसेस ये जो 36 रुपीस के आ रहे हैं, ओके ये देखिएगा। अगर आप नंबर 6 पे ना, नंबर 6 पे इसकी सेकंड लाइन अगर आप पढ़ें, ट्रेड पेएबल फॉर मटेरियल 149,000 एंड आउटस्टैंडिंग वैन एक्सपेंसेस 36,000। ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये अक्रूड होते हैं, राइट। ठीक हो गया, ओके सर, थैंक यू। ले जी क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। उमर, अच्छा उमर इज अ ग्रोसर व्हिच हु हैड नॉट केप्ट अ फुल सेट ऑफ अकाउंट्स, फॉलोइंग वाज अ समरी ऑफ हिज बैंक स्टेटमेंट। अच्छा ये बैंक स्टेटमेंट की समरी है और इसमें 892 ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, पेमेंट्स हैं ट्रेड पेबल की, रेंट, फिक्स्चर, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, लोन इंटरेस्ट, ड्राइंग्स और कस्टमर चेक डिसऑनर्ड आ रहे हैं और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। ठीक है जी, ये तो आइटम बस माइंड में रखनी है, आगे आइएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग रिसीट कंसिस्ट पार्टली ऑफ कैश एंड पार्टली ऑफ चेक्स। ड्यूरिंग द ईयर उमर हैड पेड आउट ऑफ हिज कैश टेकिंग वेजेस अमाउंटिंग टू 2950, ये कैश पेमेंट है, एंड सन्ड्री एक्सपेंसिस ऑफ 140, ये भी हमारी कैश पेमेंट है, ये दोनों कैश पेमेंट आ जाएंगी। उसके बाद ही रिटेन्ड 3000 अ वीक and maintained a balance of 20,000 in the till for change. ये जो 3000 a week है, ये उसने drawing कराई है, कितने week का question है? ये पूरे साल का है, for the year, ठीक है? तो 52 weeks होते हैं, और एक week में अगर 3000 withdraw कराता है, तो उसको multiply करके हम amount निकाल लेंगे, ये भी cash payment है, और maintained a balance of rupees 20,000 in the till for change. ये जो maintain कर रहा है balance 20,000 का, ये अमाउंट जो है ये ओपनिंग बैलेंस में भी आएगी और क्लोजिंग में, मेंटेन कवर्ड है। द बैलेंस ऑफ हिज टेकिंग टुगेदर विद द चेक अमाउंटिंग टू 250,000 व्हिच ही हैड कैश्ड आउट ऑफ हिज किंग्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सर्टेन फ्रेंड्स वर पेड इनटू द बैंक। वो कह रहा है जो बैलेंस अमाउंट बचती है वो और प्लस 250 का चेक, ये सारा उसने बैंक में जमा कराया। अब बैंक में उसने जो जमा कराया वो तो उसने ऊपर भी दिया, वो ये देखेगा 35,170 उसने जमा कराया, लेकिन इसके अलावा अब वो कह रहे हैं जी कि उसने 250 रुपीस भी जमा करवाए हैं जो उसने अपने फ्रेंड्स के लिए निकाले थे। ठीक है जी, अच्छा अब वो 250 उसके अंदर इंक्लूड है, ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो ऊपर अमाउंट आ रही है 35,170 अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसके अंदर वो 250 भी शामिल है और इसका 250 भी इंक्लूड है और इसके अंदर जो बाकी जो कैश है वो भी इंक्लूड है जो हमने जमा कराया। उसके बाद नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैश ड्रॉन payable to trade payable but not presented on 1st January and 31st December. ये unpresented checks हैं साल के शुरू में और साल के एंड पे। देखो जब unpresented checks आ गए और ये ऊपर दोबारा मैं उसी बैंक में आया हूँ, ये बैंक स्टेटमेंट है, तो लिहाजा बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है इसको मैं नहीं लूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा बैंक बुक के बैलेंस में। ठीक है, और बैंक बुक का बैलेंस जो है वो क्या होगा वो बाद में डिस्कशन करेंगे तो आपके सामने आएगा, लेकिन ये है कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो निकले हुए हैं उसके अंदर आपने इसको एडजस्ट करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा इससे आगे चलिएगा नेक्स्ट में, नंबर 3, ऑल डिसऑनर्ड चेक्स वर रिप्रेजेंटेड एंड ऑनर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये ना भी दिए हो तो ये अंडरस्टूड होता है। नंबर 4, द लोन इंटरेस्ट वॉज पेड टू ग्रो विच हैज लेंट उमर 4 मिलियन सम ईयर्स अगो एट अ रेट ऑफ 3%, 3% उस पे इंटरेस्ट उसने पे किया, इंटरेस्ट वाज ड्यूली पेड हाफ ईयरली ऑन 31st मार्च एंड 30th सितंबर
इसके अंदर जो है वो 31st मार्च और 30th सितंबर जो है उसमें आपने इंटरेस्ट पे करना है. लोन वाज स्टिल आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड. एनीवे इसको बाद में डिस्कस करते हैं. इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है और डिस्काउंट रिसीव्ड गिवन है. और नीचे क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है. अगर आप देखें इन्वेंट्रीज और उसके बाद ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रिसीवेबल्स हैं और इसके अंदर लिखा है इंक्लूडिंग ए बैडर टू 200 टू बी रिटर्न ऑफ. और उसके बाद नेक्स्ट आइएगा अक्रूड एक्सपेंसेस है, रेट पेड इन एडवांस है, फिक्स्चर है और ट्रेड पेबल्स है, अमाउंट ड्यू फॉर लाइटिंग है. सो ये काफी लेंथी क्वेश्चन है. लेट्स स्टार्ट. इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज हम कर लेंगे इसको. उमर इससे पहले हम इसको जरा थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लूं, आपका व्यू आपके लिए बेटर हो जाएगा. दिस वन. ओके. अब मैं सबसे पहले लेता हूं जी उमर, नेम ऑफ द कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड एंड और कौन सा साल है ये देख लेते हैं. 31st दिसंबर 2015. ठीक है जी, ये हिस्सा छोड़ देते हैं हम डिस्क्रिप्शन के लिए और दो अमाउंट लगा देते हैं. और चूंकि अमाउंट इन थाउजेंड्स है तो मैं इसको अमाउंट इन थाउजेंड ही रहने देता हूँ, रुपीज इन थाउजेंड और रुपीज इन थाउजेंड. ठीक है जी. ओके लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अब सबसे पहले जिस वक्त मैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम स्टार्ट करूंगा, जैसे हमने पढ़ा है हम स्टार्ट कर देंगे डेटा, बाद में देखेंगे कि कहां से मुझे वो चीज चाहिए और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूंगा जो चीज मुझे रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, तो सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए, नेचुरली सेल्स. अब सेल्स के लिए मुझे कहां से डेटा लूं, सेल्स, ये पहले मैं सेल्स लिखता हूँ. यकीनन इसके लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नंबर वन. अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर देखें तो बड़ा क्लियरली लाइन में लिखा हुआ है ट्रेडिंग रिसीट कंसिस्ट पार्टली ऑफ कैश एंड पार्टली ऑफ चेक. तो इसका मतलब पेएबल दिए हुए हैं तो पेएबल को ही मैं बेस बनाऊंगा और पेएबल का बैलेंस उठाते हैं. यहाँ पर मैं लेजर बनाता हूँ ट्रेड पेएबल का. ये लेजर का जरा फॉर्मेट बन गया, दिस वन और दिस वन. रिसीवेबल का, ये ट्रेड रिसीवेबल. अब इसका हम टी अकाउंट बना लेते हैं, दिस वन, और कहां तक जाएगा वो देख लेंगे. यहां जाएगा दिस वन, ठीक है. और यहां से हम सेंटर लाइन लगा देते हैं, जहां तक हमें जरूरत होगी हम उसको ले लेंगे. ओके, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लीजिएगा. ओपनिंग बैलेंस ये भी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं. अच्छा, मैं अमाउंट्स नहीं लिख रहा हूँ ऊपर, रुपीज इन थाउजेंड. वो अंडरस्टूड है कि हमारी सारी वर्किंग जो है वो रुपीज इन थाउजेंड्स में है. अगर आप कहेंगे तो मैं इसको यहाँ पर एक नोट ऐड कर दूंगा, ठीक है. और यहाँ लिखते हैं नॉट ऑल थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन रुपीज थाउजेंड. एक दफा लिख दिया तो दैट्स एनफ. अच्छा, अब आइएगा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस. अब क्वेश्चन में आइएगा, रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2800, ठीक है. ये 2800 मैं यहां लाऊंगा ओपनिंग बैलेंस बीडी 2800. ये रुपीज इन थाउजेंड की वैल्यू है, चेक कर लीजिएगा. यस, रुपीज इन थाउजेंड है. अब उसके बाद हम डाटा को पढ़ते हैं, जो जो चीज रिसीवेबल से गिवन है ना वो ले लेते हैं. क्लोजिंग बैलेंस बाद में लिखेंगे, पहले तो वो ये लिख रहा है कि उसने कुछ कैश ड्राइंग की, ये बात का इशू है. ये देखिएगा बैलेंस ऑफ स्टेकिंग टुगेदर विद चेक अमाउंट 250 ने ये नहीं आएगा यहाँ पर. और उसके बाद डिसऑनर चेक ये दिया हुआ था, यहाँ पर हमें पढ़ा था डिसऑनर चेक, दिस वन. ये देखें कस्टमर चेक डिसऑनर 180. ये जब कस्टमर का चेक डिसऑनर होता है इससे मेरे रिसीवेबल के बैलेंस बढ़ जाते हैं. तो यहाँ मैं बैंक अकाउंट लिखूंगा और 180. ये 180 से मेरा बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया. अच्छा, अब उसके अलावा हमें डिस्काउंट भी दिया हुआ था नीचे, देखिएगा पढ़ा था हमने. ये नंबर 5 में देखिएगा डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर. ये अलाउड बाय सप्लायर है तो ये तो ट्रेड पेएबल में जाएगा. एंड दोज अलाउड टू कस्टमर 520 और 520 का हमारा यहां पर आ जाएगा बेसिकली डिस्काउंट अलाउड. ये आएगा हमारा 520. ये आपने लिख लिया. अच्छा, अब इससे नीचे आइएगा तो ये जहां पर ये क्लोजिंग बैलेंस लिया इसके साथ लिखते हैं इंक्लूडिंग अ बैड डेट ऑफ 200
टू बी रिटन ऑफ, तो ये बैड डेट्स हो गए, इसको भी लिखेगा, ये 200 बैड डेट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए। अच्छा अब यकीनी बात है मुझे चाहिए कैश पेमेंट, इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिया, और क्लोजिंग बैलेंस हम एंड पे लिखेंगे कि कितना हमने कैश कलेक्ट किया कस्टमर से। इसके लिए अब मैं वर्किंग बनाऊंगा, वर्किंग नंबर टू, और अब मैं बनाऊंगा कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट आ गया, ये सारा खत्म कर दिया। अच्छा अब मैं आता हूं जी कैश अकाउंट में, तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लीजिएगा। उसने कहा कि कंपनी मेंटेन कर रही है 20,000 का बैलेंस, ठीक है, ये हमने पढ़ा था यहाँ पर, मेंटेन्ड बैलेंस ऑफ 20,000 इन द टिल फॉर चेंज। ओके, अब जो कैश में पेमेंट की है वो उठा रहे, यहाँ से देखेगा ड्यूरिंग द ईयर उमर हैड पेड आउट ऑफ हिज कैश टेकिंग्स वेजेस अमाउंटिंग टू 2950, यानी ये जो वेजेस आ रही हैं वो 2950 की वो यहाँ आ जाएगी। एक तो पेमेंट ये आ गई, इसके अलावा लिख रहे हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने 140 के पे की, सन्ड्री एक्सपेंसेस 140 के ये भी हमने ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद ड्राइंग्स दे रहा है 3000 अ वीक। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो 52 × 3 व्हिच इज 156, और इसकी वर्किंग यहां शो कर देता हूं, यानी 3000 मेरी वो है ड्राइंग्स, 52 वीक्स है, तो 52 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद अब देखिएगा फर्दर, और तो कोई कैश की पेमेंट नहीं है, ठीक है, इससे ऊपर जाइएगा नेक्स्ट में, यहाँ पर देखें आपने कैश में कितनी अमाउंट जमा कराई, 35,170 अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है, और इसके अंदर वो 250 वाली अमाउंट भी इंक्लूड है। ये जो 250 वाली अमाउंट है उसको पहले कर लेते हैं, वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। ये जो लिख रहा है कि बैलेंस ऑफ हिज टेकिंग टुगेदर विद चेक अमाउंट ऑफ रुपीज 250 व्हिच ही हैज कैश्ड आउट ऑफ हिज टेकिंग फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सर्टेन फ्रेंड्स, यानी 250 रुपए आपने रिसीव किए कस्टमर से, जो पहले आपने कैश कराए थे उसके लिए, वो भी बैंक में आपने जमा करा दिए, तो ये 250 आपने कैश करवाए, ठीक है, फॉर फ्रेंड, इसको आप बेशक लिख लो ड्राइंग्स क्योंकि पर्सनल है, 250 ये वापस आए पैसे, और उसके बाद फिर आपने इसको बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक में जो जमा कराया है वो कितनी अमाउंट जमा कराई है आपने, ऑब्वियसली 35,170, ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखें जी, अच्छा अब इसके अंदर आपने देखें 250 रुपीज की जो अमाउंट है वो भी आपने यहां लेनी है, 250 रुपीज की अमाउंट, वो क्यों लेनी है वो भी देख लें, देखिए पूरी वर्डिंग पढ़ें, वो लिख रहे अ चेक अमाउंटिंग टू 250 व्हिच ही हैज कैश्ड, जो आपने चेक बैंक से कैश कराया था, यकीनी बात है वहां बैंक में क्रेडिट होगा, बैंक में 250 जो है वो क्रेडिट होगा और कैश में जो 250 है वो हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 250 जो है वो 35,170 में इंक्लूड है। उसके बाद वो लिख रहे जी के which he had cashed out for of his taking for the convenience of certain borrowing for was paid into the bank, ठीक है, ये बैंक में आपने जमा करवा दिया। तो अब जिस वक्त मैं ये अमाउंट 250 के अलग शो कर रहा हूँ, तो फिर 35,170 की अमाउंट में आपने उसको भी ऐड करना है 250 को, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम इस 250 को यहाँ शो ही नहीं करें, ये आसान तरीका है, इसको शो ही ना करें क्योंकि 250 इसके अंदर इंक्लूड है, वो बैंक में आएगा, ठीक है। अब आपने इसको यहां पर कैलकुलेट करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस लिख लें, क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना है 20 रुपीज। अब इसके बाद इसको बैलेंस कर लेते हैं टोटल, द टोटल अमाउंट इज, इसको सम करें, इसका टोटल आया जी 30। एक्सक्यूज मी सर, सर ये 250 वाले पॉइंट रिपीट करने में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, मैं दोबारा बोल देता हूँ, लेकिन 250 रुपीस की अमाउंट जो है ना आपने कैश करवाई थी आपने उसके लिए दोस्त के लिए फ्रेंड के लिए, ठीक है, यानी चेक था 250 रुपीस का व्हिच ही हैज कैश आउट ऑफ हिज टेकिंग,
यानी आपको एक चेक मिला था, वो आपने कैश करवा लिया, वो चेक कैश करवा लिया और अपने दोस्त को दे दिया, ठीक है, एंड वॉज पेड इन टू द बैंक, यानी 250 फिर उससे रिसीव किया होगा तो आपने जमा करा। हमारी ये अजम्पशन होनी पड़ेगी कि हमें उससे रिसीव हुआ, यानी मैंने उसको पहले 250 रुपीस का चेक दिया, यानी कैश दिया, चेक कैश करा के, और फिर 250 उसने मुझे वापस कर दिया। जब 250 वापस किया तो वो मैंने बैंक में जमा करा दिया, और अलॉन्ग विद कवर है टूगेदर विद, यानी मीन के जो अमाउंट आपको ये ऊपर दी हुई है 35,170 की, यू कैन सी अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसके अंदर 250 इंक्लूड है, ठीक है। जब इसके अंदर इंक्लूड है तो 250 की ट्रांजेक्शन मुझे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दोनों साइड पे आएगी, इसलिए उसको मैंने इग्नोर किया और अब अमाउंट इसकी कैलकुलेट कर दो, ठीक है। अब इसमें जो अमाउंट आ रही है वो यकीनी बात है रिसीवेबल में जाएगी, रिसीवेबल्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स में, और ये अमाउंट कितनी बनेगी जी, इसमें से मैं इस अमाउंट को माइनस कर देता हूँ तो 38,16, ये बैलेंसिंग अमाउंट है इसलिए मैं इसको इस तरह शो कर रहा हूँ, ये बैलेंसिंग अमाउंट 38,416 की जो अमाउंट है वो मैं यहाँ ले आता हूँ कैश में ट्रेड पेएबल, ठीक है। अब ट्रेड पेएबल में मेरे पास सिर्फ एक चीज रह चुकी है एंड दैट इज नोन एज कैश बैलेंस। अब बैलेंस की तरफ आते हैं। अच्छा, बैलेंस बड़े ध्यान से लिखना है यहाँ पर। क्लोजिंग बैलेंस देखिए मेरा दिया हुआ 3200, लेकिन वो लिख रहा है इंक्लूडिंग द बैड डेट्स ऑफ 200, जो मैंने बैड डेट राइट ऑफ कर दिए, ठीक है। ये देख सकते हो ये 200 क्रेडिट हुआ हुआ है, टू बी रिटर्न ऑफ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 3200 की जो अमाउंट आ रही है इसके अंदर 200 बैड डेट लेस नहीं हुआ हुआ, चूंकि मैं लेस कर चुका हूँ आप, तो मैं यहाँ 3000 की अमाउंट लिखूंगा, 3200 नहीं लिखूंगा, क्योंकि आफ्टर राइटिंग ऑफ अब मेरा जो बैलेंस है, ये याद रखिएगा कि बैलेंस अब मेरा 3200 नहीं रहेगा, वो 3000 आ जाएगा। ये 3000 की अमाउंट इसलिए हमने यहाँ से लिखी और इसकी कैलकुलेशन कहते हैं, तो मैं यहाँ से शो करता हूँ 3200 माइनस 200 तो बैड डेट्स हुए। अगर आपको याद हो इंट्रो में भी आपने पढ़ा था बैड डेट्स के चैप्टर में, एक होता है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ और एक होता है बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। जब बैड डेट रिटर्न ऑफ लिखा हो तो हम क्लोजिंग बैलेंस से माइनस नहीं करते थे, लेकिन अगर बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ लिखा होता था तो क्लोजिंग बैलेंस में से बकायदा आप इसको माइनस करते थे, जैसे मैंने इसको यहाँ माइनस किया है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहां से जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी डेफिनेटली इट विल बी सेल्स, ये सेल्स आ जाएगी इज इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस एंड माइनस 39,156 की मेरी सेल्स आ गई। इस सेल की अमाउंट मैं इस कॉलम में ले आता हूं 39,156 की, अगर कहीं कोई एरर आ जाए तो हम जस्ट उसको चेंज करेंगे, खुद ही चेंज कर देंगे, ये लिंक कर दिया, ठीक है। ये पहला लेजर है जो हमने बनाया यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मैं इसमें से लिखता हूं जी लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। असल में इसमें सारी वर्किंग जो है ना वो शुरू में ही आ जानी है परचेज और सेल में, जो मेजर है। कॉस्ट ऑफ सेल में मुझे चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री। लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट इज द ओपनिंग इन्वेंट्री, ये देख सकते हो नंबर 6 पे, पहला कॉलम ओपनिंग है और दूसरा कॉलम क्लोजिंग है, तो 4500 इज द ओपनिंग इन्वेंट्री। अब इसमें मैंने ऐड करना है परचेजेस, और यकीनन परचेजेस गिवन नहीं है तो ये वर्किंग 3 बनेगी, वर्किंग 3, क्योंकि ये जो मैंने वर्किंग बनाई है दिस वन इज वर्किंग 2 और ये वर्किंग 1, वर्किंग 1 और ये वर्किंग 2। अच्छा, अब वर्किंग 3 में मैंने पेएबल का लेजर बनाना है, ये वैल्यूज में सारी खत्म करूंगा, ये सारी इसको छोड़ो। अब तीसरा लेजर बनेगा ट्रेड पेएबल का, अब इसमें ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा हमारे पास कितना, क्वेश्चन में देखते हैं पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है 1800, ठीक है जी, ये 1800 का हम बैलेंस लिख देते हैं 1800। अच्छा, अब उसके बाद यहां तो मुझे ऑब्वियसली बैलेंस अमाउंट चाहिए परचेजेस, जो मैंने फाइंड करनी है,
आप उसके बाद डेबिट साइड पे आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं कौन कौन सी पेमेंट्स हुई है। ठीक है, सबसे पहले आइएगा ये देखिएगा पेमेंट्स व्हाट ट्रेड पेएबल, ये चेक के थ्रू बैंक के थ्रू हो रही है। ठीक है, पेएबल यहाँ लिखूंगा बैंक अकाउंट, और इसके लिए जरा ध्यान से देखना है। देखो आपने जो पेमेंट की है ना, ये बैंक स्टेटमेंट से अमाउंट उठा रहा हूँ, जो चीज बैंक स्टेटमेंट से उठाऊंगा उसमें ये चीज याद रखनी है कि इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स दिए हुए। ठीक है, यानी मेरे पास पूरे साल में जो मैंने पेमेंट्स की है वो 30,500 की है, बल्कि ये पेमेंट की नहीं है। इसका मीनिंग मैं ये लूंगा, ये वो पेमेंट है जो बैंक से क्लियर हुई है। ठीक है, इस साल में क्लियर हो सकता है, इसमें कोई ऐसा चेक भी शामिल हो जो पिछले साल आपने इशू किया था, इसमें ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा चेक हो जो आपने इशू कर दी है लेकिन अभी आपको बैंक ने क्लियर नहीं किया, तो लिहाजा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग बना रहा हूं इस बैंक के साथ, वर्किंग नंबर 4। ठीक है जी, ये वर्किंग 4 मैं यहां ही ले आता हूं, वर्किंग नंबर 4, एंड दैट इज बेसिकली पेमेंट टू पेबल्स। अच्छा, अब इसमें मैं पहले लूंगा पेमेंट्स एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमने पेमेंट किया है तो वो देख सकते हो 30500। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट आइएगा अनप्रेजेंटेड वाली एडजस्टमेंट पड़िएगा, नंबर 2, चेक्स ड्रॉन पेएबल टू ट्रेड पेएबल। ये आपने चेक ड्रॉ कर दिए हुए, इशू कर दिए हुए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए फर्स्ट जनवरी तक, फर्स्ट जनवरी 2015 की बात कर रहा हूं। यानी इसका मतलब है कि ये वो चेक्स हैं जो आपने इशू किए 2014 में और 2015 में जाकर प्रेजेंट हुए, क्योंकि फर्स्ट जनवरी तक ये प्रेजेंट नहीं हुए थे। कितने चेक हैं? 280 के। इट मींस कि ये जो 30,500 की अमाउंट आ रही है, इसमें 280,000 की अमाउंट एक ऐसी अमाउंट है जो इस साल की पेमेंट नहीं है, ये पिछले साल की पेमेंट है। ये पेमेंट आपने 2014 में की हुई है लेकिन बैंक में जाकर क्लियर हो रही है 2015 में, तो लिहाजा इसको मैं लेस कर दूंगा, इसको लिखूंगा पेमेंट लेस पेमेंट मेड इन द लास्ट ईयर, और ये ऊपर वाले बैलेंस में इंक्लूडेड है तो इसलिए मैं इसमें से 280 को माइनस कर देता हूं। लेकिन आगे चलिएगा, 31 दिसंबर को भी 320 का चेक आउटस्टैंडिंग है, यानी इट मींस कि ये जो ऊपर पेमेंट आ रही है 30,500 की, इसमें ये पेमेंट शामिल नहीं है क्योंकि ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये अनप्रेजेंटेड है, ये पेमेंट नहीं हुई लेकिन एक्चुअली हमने पेमेंट की है, तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ से हम इसको पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, तो ये पेमेंट में ऐड हो जाएगा एज पेमेंट मेड इन करंट ईयर। अब ये पेमेंट हमने कितनी की है जी? 320 की है। ये 320 की। अब ये जो मेरे पास अमाउंट आया इसको मैं लिखूंगा पेमेंट एज पर बैंक बुक, ये मेरी बैंक बुक के मुताबिक है और चूंकि मुझे रिकॉर्ड के मुताबिक बैंक बुक ही चाहिए, तो लिहाजा इन तीनों अमाउंट को हम टोटल कर लेते हैं, यानी खुद ही एक माइनस हो जाएगी और एक ऐड हो जाएगी। जब इसको प्लस माइनस किया तो 30,540 की अमाउंट आ गई, ये पेमेंट यहां लाओ। ये पॉइंट आपको अगले पेपर्स में भी मिलेगा, यहां से स्टार्ट हुआ, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ये आया, अनप्रेजेंटेड चेक्स को लाजमन एडजस्ट करना होता है अगर मैं बैंक स्टेटमेंट से कोई अमाउंट उठाऊंगा। ठीक है, चूंकि मैंने ये बैंक स्टेटमेंट से उठाई है इसलिए मुझे यहाँ पर इसको लेना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। सर एक बार रिपीट कर देंगे? जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो आपने जो पहली पेमेंट उठाई है ना, दिस वन, अगर आप देखो ये वाली 30,500, ये बैंक स्टेटमेंट से उठाई है, यानी मेन मेरे वर्ड्स को गौर से सुनिएगा, ये वो पेमेंट्स है जो बैंक में गई और क्लियर हुई, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा निकाल के उनको दिया, राइट। अब इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कोई पेमेंट ऐसी हो जो पिछले साल की है, तो ये जो पेमेंट 280 की आ रही है ना, ये उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि ये फर्स्ट जनवरी को अनप्रेजेंटेड थे। इसका मतलब क्या है? यानी 2014 में जब आपने पेमेंट्स की थी, ये पेमेंट 2014 की पेमेंट थी, लेकिन चूंकि ये अनप्रेजेंटेड थी 30, यानी फर्स्ट जनवरी 2015 तक, तो ऑटोमेटिकली ये प्रेजेंट हुई 2015 में, तो ये जो ऊपर 30,500 आ रहा है इसके अंदर 280 की पेमेंट शामिल है जो वो इस साल की नहीं है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट के तहत, इसलिए हमें इसको माइनस करना पड़ा।
सेम इसी तरह साल के एंड पे मुझे एक और पता लगा कि एक पेमेंट है 320 की जो हम कर चुके पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन चूंकि बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुआ इसलिए ऊपर वाली पेमेंट में शामिल नहीं है। तो चूंकि वो इस साल की पेमेंट है इसलिए मुझे इसको इसमें ऐड करना पड़ा ताकि मैं वो पेमेंट निकाल सकूं अक्रूअल कॉन्सेप्ट के तहत जो इस साल की बैंक बुक से रिलेट कर। ये बेसिक इसके पीछे कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हमें ये अमाउंट कैलकुलेट की। ठीक है, अच्छा अभी मेरी परचेज नहीं निकली प्लीज, ये अभी पेबल में से एक अमाउंट बीच में एक्स्ट्रा आ गई थी उसको कैलकुलेशन वो करनी पड़ी। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये जो पहला दिया हुआ बेशक वर्ड अलाउड है लेकिन बाय सप्लायर्स ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर इस किस्म की वर्डिंग हो तो हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा कितना आ रहा है जी 480। अब उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस उठा लेते हैं। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, अब क्लोजिंग बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है बैलेंस कैरीड ऑन, क्लोजिंग बैलेंस देखिएगा पेबल का, ये ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 2200। अच्छा अब इसको टोटल कर लेते हैं, अब इस साइड को मैं पहले टोटल करूंगा क्योंकि ये टोटल ज्यादा है, इस साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है, इसको टोटल किया, यही टोटल मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ 33220 और इसमें से 1800 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 31420 जो अमाउंट आ गई थी अमाउंट ऑफ परचेस, ये अमाउंट यहाँ ले आता हूँ और अब मेरी वर्किंग जो है वो काफी कम हो जाएगी यहाँ तक जो मेजर वर्किंग थी। अब ओपनिंग स्टॉक में जब मैं परचेस ऐड करूंगा पहले ऐड कर लेते हैं और ऐड किया तो ये अमाउंट आ गई 35.92 मिलियन। अब इसमें से मैं लेस कर देता हूँ सिंपल क्लोजिंग इन्वेंट्री ताकि सीटीएस निकल आए। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है ये देखिएगा, इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस है 5800, इसमें से 5800 मैंने लेस कर दिए और अब मेरे पास जो नेट अमाउंट आएगी ठीक है वो ये 30,120। जब इसको लेस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 9,036 जो है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन करे सिंगल एंट्री का आप ये चीज नोट करेंगे कि मेजर वर्किंग आपकी यहाँ पर होती है। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे बहुत कम छोटी छोटी वर्किंग है आप उसकी तरफ आएंगे। अब मैंने सिर्फ पेमेंट एक्सपेंसेस लेने हैं और एक्सपेंसेस का मैंने एक तरीका बताया था कि आपने कैश और बैंक दोनों से देखने हैं पहले। अच्छा, बैंक की पेमेंट ज्यादा होती है कैश की कम है तो कैश को पहले देख लें ताकि वहां पर भी जो अमाउंट आ रही है और यहाँ पर आ रही है उनको प्लस करके लिख लो, जरूरी नहीं है। अच्छा, अब इसमें 2950 की जो अमाउंट है वेजेस की 2950 की, ये आपकी अमाउंट जो है एक पे हो रही है, एक सैलरी एक्सपेंस पे हो रहे हैं और एक ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स एक्सपेंसेस में नहीं आती, तो आपकी दो अमाउंट आ जाएंगी वेजेस और सैलरी एक्सपेंसेस। अच्छा, यहाँ देखें एक्सपेंसेस कौन से हैं, रेंट, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस। अच्छा, ये जो जनरल एक्सपेंसेस लिखे हैं और यहाँ सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखे हैं ये सेम होते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम है सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसको इकट्ठा कर सकते हैं, लोन इंटरेस्ट, ड्राइंग्स और आगे तो डिसऑर्डर। तो पहला रेंट एंड रेट्स है, तो मैं रेंट एंड रेट्स लेता हूँ और मुझे पहले ये चीज देखनी है कि रेंट एंड रेट्स का कोई अक्रूअल प्रीपेमेंट तो नहीं है, ये लाजमन देखना है आपने। अक्रूअल प्रीपेमेंट देखें किस किस का दिया हुआ है, ये अक्रूड जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए और रेट्स प्रीपेड है और अक्रूड है लाइटिंग एंड हीटिंग, यानी दो हमारे अक्रूड है एक प्रीपेमेंट है, रेट्स प्रीपेमेंट है। तो इस वक्त चूंकि हम रेट्स को ले रहे हैं तो यहाँ मुझे वर्किंग बनानी पड़ेगी वर्किंग नंबर 4, ये अब छोटे छोटे से लेजर होंगे, इसको यहां लाते हैं। ठीक है जी, अब इसको यहां से चेंज करेंगे हम वर्किंग नंबर 5 सर, अदर इनकम नहीं लिखेंगे, मैं यहाँ दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको दो मेथड बताए थे जी जी, ठीक है, मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ नेट मेथड, एक ग्रॉस मेथड होता है एक नेट मेथड होता है, तो एक तो होता है अगर इनकम यहाँ पर ऐड कर लें ठीक है और उसके बाद आगे चलें। अब मैं चूंकि दोनों मेथड आने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में अगर एक भूल गए अदर इनकम लिखना
तो मैं हम दूसरे मेथड को बजाय ये कि मैं पीछे जाके उसको चेंज करूं, मैं सेकंड मेथड को वहां पे यूज कर लूंगा। वो कैसे होगा वो आगे जाके आपको नजर आ जाएगा। तो लिहाजा वर्किंग फाइव में रेट रेंटेंट रेट्स, अच्छा अब रेंटेंट रेट्स का ओपनिंग बैलेंस अक्रूड दिया हुआ है, ठीक है, और ओपनिंग अक्रूड रेट्स नहीं प्रीपेड दिया हुआ है 40, ओपनिंग 40,000 जो है वो अक्रूड है। यहां मैं लिखता हूँ बैलेंस ड्रॉ डाउन एंड दैट इज 40,000, चूंकि प्री पेमेंट है इसलिए प्री पेमेंट का बैलेंस डेबिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा, मैंने पेमेंट कितनी की है, पेमेंट जो मैंने रेंट एंड रेट की है वो 475 है और चेक के थ्रू की है तो यहाँ बैंक आ जाएगा और बैंक की अमाउंट आ जाएगी 475। बस सिंपल उसके बाद मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा और क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है जी इसमें 50, ये प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस आया। अब इसको जब बैलेंस करेंगे जो भी डिफरेंस आएगा दिस डिफरेंस इज नोन एज अमाउंट व्हिच इज शैल बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो पहले इन दोनों को ऐड किया, ये आया 525, इस 525 में से ये 40 की अमाउंट मैंने लेस कर दी तो 485 की अमाउंट मुझे नजर आ गई। ये 485 की अमाउंट जो है वो यहां पर ले आएंगे, ठीक है 485। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा रेट्स के बाद, अच्छा यहाँ बैंक की जो पेमेंट की वो तो इस साइड पे आएगी ना 475, इसको सारा चेंज कीजिएगा, जो बैंक की पेमेंट है वो इस साइड पे आनी है ना, क्योंकि वो तो हमेशा डेबिट ही होगी, जो पेमेंट होगी वो डेबिट होगी, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये 515 आया, अब ये अमाउंट निकाल लेते हैं 515 माइनस 50, ये आ जाएगा 465 और इसको लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, क्योंकि वो यहाँ क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए, जो स्टेटमेंट ऑफ यहाँ पर लेजर में क्रेडिट साइड पे आ रही है तो एसओसीआई में डेबिट साइड पे आएगी एक्सपेंसेस के तौर पर। अब इस अमाउंट को मैं यहाँ लिंक कर रहा हूँ 465, ये मेरी पहली पेमेंट आ गई 465। इसके बाद नेक्स्ट हेड देखते हैं, नेक्स्ट सेट अगर आप देखें रेंट और रेट के बाद फिक्स्चर, ये तो फिक्स्ड एसेट है, लाइटिंग एंड हीटिंग। अच्छा लाइटिंग और हीटिंग जो है अगर आप देखिए तो इसका ये अमाउंट ड्यू का वर्ड है, अमाउंट ड्यू जो है अक्रूड होती है, यानी ये अमाउंट अभी हमने पे नहीं की, तो लिहाजा अब यहां पर वर्किंग सिक्स में आते हैं और वर्किंग सिक्स में हम लिख देते हैं लाइटिंग एंड हीटिंग, चलिए लाइटिंग लिख देते काफी। अच्छा अब इसमें इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो इस साइड पे नहीं आएगा, ये सारा खत्म कर रहा हूं। अच्छा अब लाइटिंग का जो ओपनिंग बैलेंस है चूंकि अक्रूड है 80,000 तो अक्रूड क्रेडिट साइड पे आएगा, मैं यहां लिखता हूं बैलेंस बीडी 80,000 और जितनी पेमेंट की है वो यहीं पे आनी है, बैंक अमाउंट यहाँ पर आएगी। मैंने कितनी पेमेंट की है जी वो यहाँ से देखिएगा 210, ये 210 की पेमेंट यहाँ आ गई और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि अक्रूड है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 70। अब जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी चार्ज टू एसओसीआई, जो मैंने कैलकुलेट करना है 210 में 70 प्लस किया 280 और 280 में से ये 80 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 200 की अमाउंट आ गई। ये यहाँ पे ले आइएगा लाइटिंग एंड हीटिंग वर्किंग नंबर 6, इससे ऊपर जो है ये वर्किंग 5 थी, ये 5 और ये अमाउंट आ गई इज इक्वल टू 200 ये अमाउंट। इसी तरह इसको हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा लाइटिंग एंड हीटिंग के बाद नेक्स्ट आप देखें एक्सपेंस में क्या आ रहा है, जनरल एक्सपेंसेस। अच्छा जनरल एक्सपेंसेस जो है ये कैश में भी है, ये कैश में भी है, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंसेस में अगर देखें अक्रूड की बने तो सेम लेजर बनेगा, ये सेम लेजर बनेगा। इसको यहां ले आता हूं और यहां पर मैं एक लाइन इजाफा कर दूंगा, इंसर्ट। अच्छा अब देखिएगा इसमें ओपनिंग बैलेंस, इसकी वैल्यूज मैं नहीं खत्म करता, यहीं से चेंज कर लेंगे वर्किंग 7 एंड दैट इज बेसिकली जनरल
एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस। आप देखिएगा ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है अक्रूड का 240 और क्लोजिंग 190, ये दोनों लिख लेते हैं, ये 240 भी लिखी है और ये 190 भी मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद पेमेंट कितने की है बैंक के थ्रू, बैंक के थ्रू आपने पेमेंट की है 800 की, ये मैं 800 कर रहा हूँ, लेकिन एक पेमेंट हमने और की है कैश में। अगर कैश में देखें तो कैश में जो आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए हैं 140। अब इसके बाद अब मैं दोबारा इसको बैलेंस करूंगा और एसओसीआई की अमाउंट निकल आएगी, 1130 आया, 1130 यहां लिखा तो 890 की अमाउंट आ गई मेरे पास एसओसीआई में जो ट्रांसफर होना है जनरल एक्सपेंसेस वर्किंग नंबर 7 एंड दैट इज 890। अच्छा इसको रिकॉर्ड करने के बाद अब अगला एक्सपेंस देखते हैं, उसके बाद आ रहा है लोन इंटरेस्ट 120। अब उसके अलावा यहां आइएगा, लोन इंटरेस्ट वाज पेड टू ब्रो हु लेंट उमर 4 मिलियन सम इयर्स अगो एट अ रेट ऑफ 3%, ठीक है। अब बस इतनी सी अमाउंट से मेरा मसला हल हो रहा है, आगे जो चीज है ना वो वैसे भी हम डिस्कस कर भी ले तो बेहतर है, लेकिन ना भी करें तो कोई इतना इशू नहीं है। इंटरेस्ट वाज ड्यूली पेड हाफ ईयरली ऑन 31 मार्च, यानी आपने 31 मार्च को एक इंटरेस्ट पे करना है और 31 सितंबर को पे करना है, इसका मतलब 30 सितंबर तक पे हो चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी पे नहीं हुआ तो वो अक्रू करना है, तो मुझे यहाँ अक्रू करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा इंटरेस्ट एक्सपेंस ले लेता हूँ। और ये कैसे निकलेगा, जितना लोन लिया ना, जितना लोन लिया 4000 का, इसका मैं लूंगा कितने परसेंट पे लिया लोन 3% पे, और पूरे साल का इंटरेस्ट आना है, क्यों, क्योंकि सेवरल इयर्स अगो आपने लोन लिया था, ये अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें 4000 का 3% तो ये 120 बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये 120 जो आ रहा है ये वेरी क्लियर कि ये पे हो चुका है, ठीक है। अब लेकिन 3 मंथ का अक्रूड है वो पिछले साल का भी उतना होगा और इस साल का भी उतना होगा, इसकी अभी जरूरत नहीं है, मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए था, मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद ड्राइंग्स, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये डिसऑनर चेक है, ये एक्सपेंस नहीं है। अब यहाँ कैश में देखते हैं कोई एक्सपेंस आ रहा है, और यस वेजेस 2950 और इसके कोई अक्रूअल प्री पेमेंट नहीं, 2950 का मेरे पास एक्सपेंसेस आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस दो जगह से उठाने हैं, फर्स्ट आपने लेने कैश बुक और बैंक बुक से कॉम्बिनेशन में, और तीसरा फिर अब अदर कैश एक्सपेंसेस देखने हैं जो नॉन कैश है। जरा चलते जाइएगा यहां से आगे, 1 और 2 में कोई एक्सपेंस नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर 480, ये हमारा डिस्काउंट रिसीव था, और डोज अलाउड टू कस्टमर 520, ये डिस्काउंट अलाउड था, वो जो मैं सेकंड मेथड कह रहा था, यहाँ पे हम लिखते हैं नेट डिस्काउंट, ठीक है, और 520 का अलाउड था और 480 का हमारा रिसीव था, तो ये 40 की अमाउंट में यहाँ पर लिखूंगा। और अगर फर्ज करें डिस्काउंट अलाउड कम हो लेकिन डिस्काउंट रिसीव ज्यादा हो तो फिर ये माइनस में अमाउंट आ जाएगी, ठीक हो गया, ये माइनस में आ जाएगी। इसके अलावा अब और आइटम यहाँ खत्म हुई, नीचे देखिएगा ये बैड डेट्स भी आ रहे थे 200 के, ये बैड डेट्स भी शो करेंगे यहाँ पे 200 के। अच्छा अब ये सारा करने के बाद और मुझे कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब आपको ये देखना है कुछ, ये डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड को शो करने के मार्क्स नहीं होंगे अलग अलग, नहीं नेट मेथड आई कैप अपने सॉल्यूशन में भी कर रहा है। देखें हमारा एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑफसेटिंग एंड नेटिंग, ठीक है। अब मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो हमें ये वर्डिंग कहता है कि नो इनकम और एक्सपेंस, नो एसेट और लाइबिलिटी कैन बी सेट ऑफ एक्सेप्ट अदरवाइज अलाउड बाय अनदर स्टैंडर्ड, ठीक है। तो पहली चीज तो है कि हम पहली कोशिश ये करते हैं कि नेटिंग ना करें, हम अलग अलग दोनों को शो करें, लेकिन उसके बावजूद वो हमें अलाउ करता है। अभी आपने चूंकि आगे सारे स्टैंडर्ड पढ़ने हैं FR2 में, तो जब पढ़ोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि वहां पर फिर वो अलाउ करता है कि आप इस और इस एक्सपेंस को नेट ऑफ कर सकते हो। इसी तरह डिस्काउंट अलाउड और रिसीव को भी आप कर सकते हैं, ये अलाउड है। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेंस और इनकम जो कि थोड़े सी डिफरेंट नेचर के या किसी स्टैंडर्ड में उसके डिस्कशन नहीं है, उसको आपने ग्रॉस ही रखना है। तो मैं सिर्फ इसलिए ये मेथड चूज किया, एक दफा करता होता हूँ मैं ये, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि नेटिंग ऑफ मत करो, हमेशा ये कहता हूँ कि अदर इनकम लो, बेशक आई कैप ने दिया हुआ डजंट मैटर,
लेकिन आप अदर इनकम को अलग लो और अदर एक्सपेंसेस को डिस्काउंट को अलग लो, अलाउड को अलग और रसीद को अदर इनकम में ले जाओ, ठीक है। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन करना था, वो मैंने ये वाला कर दिया, क्योंकि इसमें दोनों दिए हुए थे तो मैंने दोनों को नेट कर दिया, राइट। अच्छा अब आइएगा लास्ट में। अच्छा एक चीज याद रखनी है, इन क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन मस्ट होती है, उसके बगैर क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर फिक्स एसेट दिया हुआ है और जो कि दिया हुआ है फिक्सचर, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो पूरा पढ़ लिया हमने, कहीं डेप्रिसिएशन आई नहीं, यहाँ डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग अमाउंट निकला। मैं यहां पर लेजर बना रहा हूं फिक्सचर का, वर्किंग एट फिक्सचर, एक ही एसेट है फिक्सचर, ये सारी वैल्यूज खत्म करते हैं। फिक्स्चर ओपनिंग बैलेंस क्या है ये देखिएगा, 2800 ये ओपनिंग बैलेंस आ गया 2800। अच्छा अब आपने देखना है डेबिट साइड पे कि क्या कोई नया एसेट तो नहीं परचेज किया, ये देखिएगा ऊपर बैंक बुक में 100 का फिक्स्चर आ रहा है, कैश में तो कोई नहीं है, 100 का फिक्स्चर आ रहा है, ये 100 का फिक्स्चर मैं यहाँ लिखता हूँ जो परचेज किया है, ये बैंक के थ्रू की, ये 100 आ रहा है, ये 2900 हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ, ये भी देखिएगा क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2550। अब अगर आप ये देखो ये 2900 इसका टोटल बन रहा है, यानी मेरे पास एसेट 2900 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ नजर आ रहा है 2550। ये कम क्यों हुआ, ओनली एंड ओनली ड्यू टू डेप्रिसिएशन, ये 350 की जो अमाउंट आई है दिस शैल बी कंसिडर्ड एज डेप्रिसिएशन। ये इस तरह निकाली जाती है डेप्रिसिएशन, अगर आपको क्वेश्चन में रेट गिवन ना हो, ये हाइड करता है कई दफा, तो आप सिर्फ देखते हो मूवमेंट, तो वो टैली होनी चाहिए, अगर टैली नहीं हो रही तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि वो डेप्रिसिएट हुआ है। अब ये 350 की अमाउंट जो है वो मैं यहाँ ले आता हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, या सिंपल लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड, और वर्किंग आएगी वर्किंग नंबर 8, और ये डेप्रिसिएशन आ गई मेरी 350,000 की। अब इसके बाद और कोई चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पर आ रही है और हमने ना ली, एक नजर मैं सिर्फ देख लेता हूँ इसमें कोई चीज नो, ओके फाइन। अब इसके बाद इसको टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल जो है ना वो मैं इस तरह लिखूंगा और इसको माइनस करना है, ठीक है, सम ऑफ All these amounts. अब इसका टोटल किया तो ये 5215 आ गया। अब मैं इसको फाइनली बैलेंस करता हूँ कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस, यकीनन प्रॉफिट आ रहा है, और ये प्रॉफिट मेरा बन रहा है जी इसमें 9036 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 5215 3821 इस द नेट प्रॉफिट, ये मेरा पहला हिसाब सॉल्व हो गया स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव। अब मैं आगे बढ़ूंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और यहां फॉर द ईयर की बजाय एज एट आएगा, एज एट 31st December 2015। इसमें सबसे पहली चीज जो लेनी है वो हमने एसेट्स है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंपैरेटिवली इजी होती है। अब सबसे पहले मैं लूंगा एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट, इसको बेशक आप डिलीट ना करें, सब हेडिंग को डिलीट करना, नॉन करंट एसेट्स, ये हमारी सब हेडिंग आ गई। अब नॉन करंट एसेट में मेरे पास एक ही एसेट है और वो है फिक्स्चर, राइट, और फिक्स्चर का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, इसकी कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं ले आइएगा 2550, ये जो क्लोजिंग बैलेंस ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हो दिस वन 2550 आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी इसमें डेप्रिसिएशन भी माइनस हो चुकी है। उसके बाद आइएगा करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स ज्यादा है और इसको तरतीब से लेकर चल रहा है जैसे जैसे हमने डिस्कशन की थी। देखो सबसे पहली चीज क्या आनी है, प्री पेमेंट, इसमें प्रीपेड है, प्रीपेड यहीं से मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस उठा देंगे,
ये रेट्स फ्री पे रहे हैं, ये 50 रुपीज क्वेश्चन में भी दिया हुआ, वहां से भी देख सकते हो प्रीपेड रेंट, और ये आ रहा है हमारे पास, इसको मैं कॉलम में लिख लेता हूँ सारों को 50। प्रीपेड के बाद फिर मेरा स्टॉक आता है इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री वो भी यहाँ ली हुई है, देखिएगा 5800। ये 5800 की मेरे पास इन्वेंट्री आ गई। इन्वेंट्री के बाद मेरे रिसीवेबल्स आएंगे, और रिसीवेबल्स भी मेरे पास है ये 3000 के। अच्छा ये सही बैठेगा कि यहाँ 3200 दिए हुए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें 200 आपने माइनस करना है। कौन सा 200 माइनस करना है? जो आपका बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ था, ठीक है, उसको माइनस करना है। तो ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल 3000 था, ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है जी। उसके बाद आइएगा कैश एट बैंक। अच्छा अब इसका जरा ख्याल करना है, कैश एट बैंक देखिए, जो हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ ना, कैश एट बैंक 993 बैलेंस आ रहा है, और ये फेवरेबल बैलेंस है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो ये असल में क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डेबिट है, तो ये एस वो आ जाएगा आपका कैश एट बैंक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है वो हमने वो लिया है जो बैंक स्टेटमेंट है, हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं चाहिए। जब मैं इसको कैश बुक के बैलेंस में कन्वर्ट करूंगा तो यकीनी बात है जब ये बैलेंस चेंज होगा तो ये बैलेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका आप बैलेंस करते हो ना। मिसाल के तौर पे अगर ये 892 के अमाउंट को मैं 992 कर दूं, बाकी सारी चीजें सेम रहे, तो इस बैलेंस पे फर्क पड़ेगा ना, ये बैलेंस आपका कम हो जाएगा, क्योंकि उसको बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, टोटल तो 35170 रहना। तो ये याद रखना है कि ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। जब ओपनिंग बैलेंस चेंज करूंगा तो नेचुरली क्लोजिंग चेंज करूंगा, और उसको चेंज करने का सिंपल तरीका क्या है कि पिछले साल की पेमेंट कौन सी थी, ठीक है। जब पिछले साल की पेमेंट जो है वो जब मैं लूंगा तो ये मेरा बैलेंस 892 नहीं रहेगा, ये ओडी है, ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, ये और बढ़ जाएगा। यानी इसके अंदर ये जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 321 ओपनिंग जो 280 की जो पेमेंट है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, और क्लोजिंग में 320 की इंक्लूड नहीं है। इस वक्त हम क्लोजिंग निकाल रहे हैं ना, सॉरी, इस वक्त क्लोजिंग निकाल रहे हैं, तो क्लोजिंग कितनी है 320। तो 320 की अगर मैं पेमेंट शो कर देता हूँ, 320 की पेमेंट शो कर देता हूँ, तो बैलेंस 993 नहीं रहेगा। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, ये मैं यहाँ ला रहा हूँ ब्रैकेट में, इस वक्त जो मुझे बैलेंस दिया हुआ है वो 993 है, लेकिन एक पेमेंट मैंने शो नहीं की थी, और वो पेमेंट है 320 की, इसमें से 320 में माइनस कर देता, तो मेरे पास जो बैंक बुक का बैलेंस आएगा वो आ जाएगा 673, ठीक है। और अब सिंपली कैश का बैलेंस लीजिएगा, कैश का तो दिया हुआ है 20 रुपीज, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, यहाँ सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस उठाना है। ये पांच एसेट वही तरतीब से मैंने लिए हैं, सबसे पहले आपने लेना है प्रीपेड, प्रीपेड के बाद आपने लेना है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के बाद रिसीवेबल्स जितने भी दिए हुए वो लेने हैं, रिसीवेबल के बाद कैश एट बैंक आएगा, और फाइनली कैश है। अब इसको टोटल कर देते हैं, इसको टोटल किया, इस कॉलम में ले आते दिस वन, और ये टोटल आ गया मेरे पास, ये करंट एसेट का टोटल हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे टोटल एसेट्स हो जाएंगे, दिस वन इज द टोटल एसेट्स 12093, ये पहली अमाउंट मेरी कैलकुलेट हो गई एसेट साइड की। अब आइएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये मेन हेडिंग आ गई, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ओके, अब इसमें सबसे पहले इक्विटी में आएंगे, और इक्विटी सब हेडिंग हो गई मेरी। इक्विटी में मुझे चाहिए कैपिटल, कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ना गिवन हो तो हम ये पढ़ चुके हैं, हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और उसके थ्रू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बना लेते हैं, वर्किंग 9 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और ये ओपनिंग डेट की होती है, ये याद रखने के लिए जो मैं बना रहा हूँ ये एज एट 1 जनवरी 2015 है, ठीक है। तो एक साइड पे सारे एसेट लिखूंगा और दूसरे साइड पे मैं सारी लाइबिलिटी लिखूंगा, इसको यहां ले आते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा होंगे एसेट्स लाइबिलिटी। खत्म करें,
यहाँ तक ले आते। तो सबसे पहले अब मुझे एसेट्स चाहिए। एसेट्स कौन कौन से दिया? अब मुझे सारे एसेट ओपनिंग चाहिए, प्लीज ये भी ध्यान में रखिएगा, सारे ओपनिंग। तो उसी तरतीब से चलूंगा ताकि कोई चीज मिस ना हो। तो एसेट में लिख चुका हूं, पहले मुझे फिक्स्चर चाहिए, लेकिन फिक्स्चर को ओपनिंग चाहिए। ओपनिंग ये देखो दिया हुआ 2800। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड रेंट मुझे ओपनिंग चाहिए, और प्रीपेड रेंट यहां से मिल जाएगा ओपनिंग 40 rupees। ये 40 मेरे ओपनिंग प्रीपेड आ गए। प्रीपेड के बाद नेक्स्ट आइटम अगर आप देखें, इन्वेंटरी चाहिए, और इन्वेंटरी भी मुझे ओपनिंग चाहिए। आप देख सकते हो दिस वन इज ओपनिंग इन्वेंटरी 4500। ये सारे ओपनिंग एसेट्स पहले उठा रहा हूँ। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, रिसीवेबल, और ओपनिंग रिसीवेबल कितने दिए हुए, यहाँ से लिखेगा 2800 मेरे ओपनिंग रिसीवेबल हो गए। उसके बाद कैश एट बैंक। अच्छा, कैश एट बैंक का जहां तक ताल्लुक है ना, कैश एट बैंक ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है, ये देख सकते हो ओपनिंग ओवरड्राफ्ट। तो इसको अभी ये लायबिलिटी साइड पे आएगा, लेकिन कैश इन हैंड जो है वो मेरा आएगा, कैश इन हैंड एट 20। ठीक है, अब वो ओपनिंग भी 20 है, क्लोजिंग भी। इस साइड को पहले टोटल कर लेते हैं, एसेट साइड टोटल आ रहा है 35360। ठीक है, ये हमारे पास एसेट्स आ गए। रिसीवेबल की अमाउंट में जरा गलत थी, इसको ठीक करना, 2800, ये 10160 आ गए। ये 2800 है, मैंने 28000 लिख दिया। अब लाइबिलिटी में आइएगा, सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 892। ठीक है, यानी ये हमारा पिछले साल से आ रहा है कि 892 मेरा बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ था, लेकिन एक चेक मैंने इशू किया था पिछले साल, वो अमाउंट थी 280 की, वो 280 इसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब मैं ये चेक इशू किया तो वो भी तो बैंक में प्रेजेंट होना है, उसको प्लस कर लें। ये आ रहा है 892 प्लस 280, 1172 मेरा बैलेंस आ जाएगा, 1172 ओपनिंग बैलेंस। सर, हमने ये 280 को करंट एसेट्स के बैंक में क्यों नहीं एडजस्ट किया, 320 तो एडजस्ट हुआ है। हाँ जी, इसको एडजस्ट किया 280 को, 280 को कर रहा हूँ ना, ये किया है, ये देखिए 1172 की अमाउंट कैसे आई है, जरा देखें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 892 है ना बैलेंस। ठीक है, 892 में 280 प्लस कर दो तो देखो वही आती है अमाउंट की, नहीं कैलकुलेटर पे चेक कर लो, 892 करंट एसेट्स में नहीं इसको एडजस्ट करना बैंक में, क्लोजिंग बैलेंस पे आएगा, क्लोजिंग में क्लोजिंग बैलेंस एडजस्ट होगा, वो तो कर दिया ना हमने। अच्छा, और ओपनिंग में ओपनिंग कर रहे हैं, राइट? तो दरमियान ड्यूरिंग द ईयर जो होगा उसको तो हमने अलग से एडजस्ट करना ना, पेमेंट्स में वो यहाँ किया है, तो इसलिए ये डबल इफेक्ट अब पूरा हो रहा है। ये देखो 280 का एक इफेक्ट यहाँ आया, 280 का एक यहाँ आया, एक 320 का यहाँ आ रहा है, और एक 320 का मैंने यहाँ बैंक में लिया था ये वाला, तो ये खुद बहुत पूरा हो गया। अब सिर्फ आपके जेहन में ये आ रहा होगा, ये 320 में ये भी यानी अनप्रेजेंटेड है, ये भी अनप्रेजेंटेड है, लेकिन यहाँ मैं माइनस कर रहा हूँ, यहाँ प्लस कर रहा हूँ, ये क्यों? इसलिए ये कैश एट बैंक है, ये फेवरेबल बैलेंस है, और ये ओडी बैलेंस है। तो यकीन ही पता है ओडी बैलेंस का बैलेंस क्रेडिट होता है, और क्रेडिट में अनप्रेजेंटेड प्लस होंगे, और यहाँ पर जो बैंक में बैलेंस आ रहा है ये फेवरेबल है, और फेवरेबल में माइनस होगा, वो तो बाय नेचर चीज है। अच्छा, अब इसके बाद अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अमाउंट कौन सी आ रही है। अब लाइबिलिटीज में देखें तो एक लाइबिलिटी यहाँ से हमें इजिली मिल जाएगी, बल्कि यहाँ से सारी मिल जाएंगी ओपनिंग लाइबिलिटीज। देखिएगा ओपनिंग, ओपनिंग का वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, अक्रूड जनरल एक्सपेंसेस, अक्रूड जनरल एक्सपेंसेस, और ये हमें कितने दिए हुए जी ओपनिंग 240, ये 240 आ गए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अक्रू, ये पेड इन एडवांस छोड़ दें, उसके बाद ट्रेड पेबल है 1800, ट्रेड पेबल 1800 ये आ गए 1800, और उसके बाद ये एक अक्रूड आ रहा है लाइटिंग एंड हीटिंग, अक्रूड लाइट ये कितना था 80, ये 80। ठीक है, अब इसके बाद एक एक अक्रूड और आएगा यहाँ पर, यहाँ तो मुकम्मल हो गया जो हमने पढ़ी थी एडजस्टमेंट, ये वाली इंटरेस्ट वाली। ठीक है, अब यहाँ वो कह रहा है इंटरेस्ट वाज ड्यूली पेड
अप टू 31st मार्च और 30th सितंबर, यानी 30 सितंबर तक मैं इंटरेस्ट पे कर चुका हूँ, 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है। अब 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे ले आएंगे। अच्छा, ये पिछले साल भी अक्रूड इतना ही था, क्लोजिंग भी उतना ही, क्योंकि लोन रीपे नहीं हुआ, तो 4 मिलियन का 3% का 3 मंथ का वो अक्रूड आएगा, वो क्लोजिंग में भी आएगा और ओपनिंग में। अक्रूड इंटरेस्ट, और इसकी कैलकुलेशन अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 4 मिलियन 4000 इंटू 3% इंटू 3 मंथ 3/12। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 4000 का 3% 120 आया, तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है, ये अक्रूड इंटरेस्ट आ गया 30 रुपीज। अच्छा, अब जिसको कर लिए मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया, अब जो डिफरेंस आएगा, दिस इज नॉट एज कैपिटल, ये एसेट्स हैं सारे, और इस एसेट्स में से मैं सारी लाइबिलिटी लेस कर दूंगा, दिस वन इज नॉन एज कैपिटल, ये आया, और इसमें से मैं सारी लाइबिलिटीज लेस कर देता हूं, और ये आ रहा है 6838, दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल 6838, इसको आप यहां ले लीजिएगा 6838। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ओ, ये एक अमाउंट ये भी आ रही है ना, लोन भी है, लोन रह गया, लोन भी रह गया। अच्छा, इसको लोन भी यहां ले रहे हैं, ये मैं वर्किंग जो है ना यहाँ आपके लिए नहीं चुने, आप लोन यहाँ ले, लोन 4000 वो भी ले। और अब अगर आप इसके कैलकुलेशन करें ना, 2838 आ गया, ये कैपिटल आ गया 2838। अच्छा, अब इसके बाद चूंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है और अभी अटेंडेंस लगानी है, तो प्लीज इसको आप मुकम्मल आपने करना है, आगे कुछ भी नहीं रह गया। अब इसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट और लेस करनी है ड्राइंग्स, तो आपका कैपिटल आ जाएगा, और क्लोजिंग लाइबिलिटीज जान लिखनी है, ये टैली हो जाएगा, इसी ये शीट में भी शेयर करूंगा, इसी शीट को मुकम्मल करना, ठीक है, और देखें टैली होता है कि नहीं, नहीं होगा तो कल डिस्कस करेंगे। अब इससे अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैंने देखा नहीं कैसा है, लेकिन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो आपने जरा ट्राई करनी है, एंड एक क्वेश्चन आप घर से करेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे, या फिर यासीन ये क्वेश्चन वो आपने घर से करके रखा है, कल इसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप मौजूद हैं अरफ? हाँ जी, आप जी सर, आप लीव कर दें। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नहीं जाना। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम, समन आरिफ, आप मेरी अटेंडेंस मार्क कर देंगे? वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स का टेस्ट है अभी, तो दैट्स व्हाई। जी ठीक है, कर चलिए, जो समझ आप, ठीक है, और सुन नहीं है सर, आप मौजूद हैं यहाँ? जी, आप इधर ही हैं? यस मैम, मैं इधर हूँ। मैम सारे पार्टिसिपेंट्स की ले लिया। हो गया फिर जाए सारे।